इंदौर में लोक अभियोजन अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाग लेने के लिए एडीजी पुरुषोत्तम शर्मा भी पहुंचे। इस दौरान एडीजी ने इंदौर उज्जैन संभाग के सभी लोक अभियोजन अधिकारियों की बैठक ली और न्यायालय में कितने केस पेंडिंग हैं उनके बारे में जानकारी ली। बैठक में कई लोक अभियोजन अधिकारियों ने अपनी समस्याओं से भी एडीजी को अवगत करवाया। वहीं झाबुआ और अन्य जगहों के लोक अभियोजन अधिकारियों ने वहां की संस्कृति की भी दुहाई दी और कहा वहां पर जो उनके समाज के न्यायालय चलते उसके कारण कई बार समस्या आती है। वहीं एडीजी ने संस्कृति के बारे में किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हुए कहा कि फिलहाल मैंने वहां के लोगों को कहा कि उन्हें अच्छा न्याय मिल सके। वहीं कुछ लोक अभियोजन अधिकारियों से कार्यालयों की बदहाली की भी शिकायत की। उन सभी को एडीजी ने आश्वस्त देते हुए कहा कि सभी जगहों के कार्यालयों में जो भी समस्या है उन्हें जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। लैपटॉप और अन्य तरह की समस्या से उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं एक महिला लोक अभियोजन अधिकारी ने एडीजी के सामने समस्या रखी कि यहां वे पदस्थ हैं, वहां बाथरूम नहीं है तथा एडीजी ने इस समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि जल्द से जल्द समस्या को हल करवा दिया जाएगा। फिलहाल एडीजी ने पहली बार इन सभी लोक अभियोजन अधिकारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। आज मैं अपने सभी साथियों से मुलाकात करने आया हूं और विशेष रूप से इसलिए कि सारे जो गंभीर अपराध हैं, चिन्हित अपराध हैं, जघन्य अपराध हैं, उनका कन्विक्शन कैसे बढ़ाया जा सके। मैं अपने साथियों की समस्याएं भी सुनने आया हूं कि वो किन किन समस्याओं से गुजर रहे हैं और उनका क्या समाधान किया जा सकता है। तो मैंने आज इंदौर संभाग के सभी डीपीओ से मुलाकात की, डीडीपी से मुलाकात की और इंदौर के सभी एडीपीओ से मुलाकात की। बड़ी सारगर्भित मीटिंग रही है और जितनी उनकी सफलताएँ हैं उनको भी हम दूर दूर तक ले जाएँ ताकि बाकी लोगों के लिए भी लर्निंग इशू रहें। कई तरह की समस्याएं भी सामने आई डीपीओ की, कई मैं विशेष रूप से समस्याएं आई हैं फर्नीचर की, कंप्यूटर की, तो मैं फर्नीचर सभी को बहुत जल्दी मुहैया करा रहा हूं। सभी को डिसेंट्रलाइज ढंग से सबको उनको पैसे देंगे और कंप्यूटर बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। सर एक धाराओं को लेकर भी आई है समस्या की, हाँ वो एक समस्या है कि अभी जो CCTNS है उसमें नए प्रावधान अभी इंक्लूड नहीं हो पाए हैं, तो मैं जल्दी जाकर पुलिस हेडक्वार्टर में CCTNS से ADG से बात करूंगा कि नई धाराओं को इस पर जोड़ दिया जाए। ट्राइबल एरियों में संस्कृति की भी समस्या आई है, कई ट्राइबल एरियों का जिक्र करा यहाँ डीपीओ ने कि वहाँ पर जो समाज रहता है वो आपस में ही पेट कर। देखिए जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, मेरा कोई क्षेत्र संस्कृति के ऊपर टीप करने का, टिप्पणी देने का नहीं है। संस्कृति वर्षों से चली आई हुई है लेकिन उस वहाँ पर लोगों को इन सभी स्थितियों के बीच में जितने अच्छा न्याय मिल सके उसके लिए मैंने लोगों को कहा है। एक स्वच्छता भारत को लेकर एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है, डीपीओ ने यहाँ पर महिला डीपीओ ने अपनी समस्या बताई कि बाथरूम नहीं है, उसको लेकर किस तरह की आप बात? वो एक निश्चित रूप से मेरे लिए चैलेंज है और मैं सबसे प्राथमिकता के तौर पर उनको सुविधाएँ दूंगा, स्पेशली हमारी जो लेडी ऑफिसर्स हैं, दे शुड गेट द प्रॉपर बाथरूम फॉर देमसेल्फ।